माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? वेलकम बैक हमारे ब्लॉग में, दिल से स्वागत है आप सभी का। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज का डेली ब्लॉग में देखिए क्या करते हैं, जो डेली का कंटिन्यू रहता है बस वही। सो अभी सुबह का 6:30 बज चुके हैं और सर आ चुके हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं दोनों को। और मेरा देखिए, सर आने से पहले ही मेरा नहाना धोना खींचना हो गया, पूजा पाठ। तो ये घर से बाहर से और ये जो गाड़ी गया अभी अभी बच्चों को लेने आता है, वही स्कूल का बच्चों का लेने आता है, लेकिन जो पहले जाता है उसके लिए है। मेरा बाबू लोग गाड़ी से बाइक से जाता है और हम खुद लाने जाते हैं। सो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और आवाज आ रही है ना। सो बने रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग में और देखिए आगे का ब्लॉग। सो गाइस, मेरी बेटी ने बोला है कि मम्मा आलू जीरा दीजिएगा लंच में, नाश्ता में। और नाश्ता में देखते हैं अभी क्या बनाते हैं, लेकिन स्कूल ले जाने के लिए बोली है कि आलू जीरा दीजिएगा मम्मा। सो ये देखिए इतना सारा आलू बॉइल करने के लिए दे रहे हैं, तो पहले बॉइल करना पड़ेगा। और आलू जीरा बहुत अच्छा लगता है उसे, हम लोग को भी अच्छा लगता है क्योंकि बहुत टेस्टी रहता है ना, तो अच्छा तो लगेगा। सो पहले हम इस आलू को बॉइल कर लेते हैं और उधर दूध भी चढ़ा हुआ है, आलू बॉइल कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं नाश्ता में क्या बनाते हैं। पहले तो आलू जीरा उसको दे देंगे बनाकर, उसके बाद नाश्ता में सत्तू पराठा हो सकता है बनाए, और फिर डायरेक्ट खाना बना लेंगे। सो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखते रहिए, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। तो ये भी बन, मेरा दूध भी बन गया, खा लिया, और उसके बाद हमने चाय भी बना ली। और दूध से चाय बनाइए क्योंकि मुझे नींबू का चाय अच्छा नहीं लगता, तो नींबू का चाय पीते हैं। और इधर देखिए, इधर ये भी होने वाला है, तो अभी पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद आलू जीरा फ्राई करेंगे, ठीक है? तो आप लोग आगे का भी ब्लॉग देखिए। ठंडा लग गया था ना बेटा, चलो आ जाओ, दोनों आ जाओ। सो फ्रेंड, सॉक्स पहन लो बेटा। सो फ्रेंड, अभी हम खाना बना रहे हैं, क्या सो बताऊं? सो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, आप लोग खुद देख लीजिएगा कि क्या बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। और मेरी लाडली बोली है आलू जीरा ले जाएगी लंच में, है ना सुना? हाँ। तुमको भी चाहिए कि सो? ओके डन। फ्रेंड इधर बहुत मुश्किल होता है बेटा, अब चलो स्टैंड में तो आ गया। तो फ्रेंड हम बना रहे हैं खाना भी और नाश्ता भी दोनों एक साथ, तो आप लोग देखते रहिए। मेरी बेटा क्या कर रही है किचन में? नाश्ता देख रही है। क्या नाश्ता देख रही है? अभी तो बना ही नहीं है, देख क्या रही है? मेरे मुझसे तो फ्रेंड्स को भी बुलाइए बताने के लिए। तुम तो बुला ही ली, आप भी बुलाए, मेरा बात कोई सुनता ही नहीं है। मेरी बेटी का भी बात सुन लो फ्रेंड्स। तो फिर यहाँ पे बना रहे हैं आलू छिलका सब्जी, क्योंकि जो मेरी सासू है ना उनको बहुत मतलब पसंद है। और जो ये सीन है ना, गांव से कोई जस्ट बगल में रहती है, वही दिन है उनको गांव से है, तो गांव वाला का तो अलग ही टेस्ट होता है ना। तो अपने सासू माँ के लिए ये सब कर रहे हैं, बना रहे हैं। ऐसे हमको सीन पसंद नहीं, मेरे बच्चों को सीन पसंद है, बस माँ बेटा खाए।
जल्दी से खाना है आलू जीरा, जो कि अभी टाइम लगेगा। चलो सो फ्रेंड बन रही है आप लोग हमारे ब्लॉग। सो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पे इतना सारा आलू जीरा के लिए आलू मैंने कट कर लिया है और इतना सारा आलू है जो अपनी सब्जी में डालेंगे व्हाइट करके आलू का सब्जी में। अभी तो टाइम लगेगा अभी नाश्ता में, गंदा भी होता है। और आप लोग को एक बात बताऊं, हमसे ना सब्जी टेस्टी नहीं बनता और हस्बैंड से सब्जी बहुत टेस्टी बनता है। तो गाइस ये देखिए हमने इसमें आलू भी डाल दिया था जो कि आलू भी फ्राई हो गया, तो पहले फटाफट से जल्दी से ये बनाते हैं, फिर आलू जीरा भी बनाना होगा, फिर दोनों को रेडी सब कुछ करवाना पड़ता है छोटकू को तो ज्यादा। तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखते रहिए हमारा वीडियो। तो फ्रेंड ये देखिए ये हमने आलू को डाल दिया है कढ़ाई में, तो आलू जीरा बना रहे हैं, इसमें जीरा मिर्ची भी दे दिया फोड़ा ही, तो अब ये बहुत चटकारा वाला टेस्टी लगेगा। और मेरी जानू पधार रही है, हम नहीं देंगे जाओ, अभी हमसे सुबह सुबह इतना ही झगड़ा किया ये लड़की, इतना झगड़ा किया है कि इससे बात नहीं करनी। लग गया रे, बस बेटा हो गया थोड़ी देर में, मेरा खाना कम्प्लीटली रेडी हो गया गाइस, और अभी आलू जीरा भी कम्प्लीट होगा, दो तीन मिनट टाइम लगेगा, उसके बाद आटा गूंद के सत्तू पराठा बना लेंगे। तो सत्तू मेरा हम सत्तू भी बना कर रख लिए है, बस आटा गूंथ कर सत्तू पराठा तुरंत बना देंगे, उसके बाद खा लेगा उसके बाद जाएगा रेडी होकर। तो आप लोग बन गई है हमारे साथ। तो फ्रेंड ये आलू जीरा कंप्लीट रेडी हो गया, तो हल्का ब्राउन करने तक ही रखते हैं। सो आप लोग देखिए ये आलू जीरा रेडी हो गया है, सो इसे अभी थाली में निकाल कर दोनों का लंच भी निकाल कर रखे है, सो अभी पैक कर देते हैं। तो गाइस अब रेडी कर रहे हैं और मेरे बच्चे अपने खुद से ड्रेस पहन लिया है, बात कर हम खुद से ड्रेस पहन लेते हैं, बस ये नहीं लगता है हमसे हम से इसको पहन कुछ नहीं आता, इसको अभी साथ पापा पहना है। हाँ झूठ मत बोलो, इतना लड़ाई करते हैं आप लोग, खुद देखते रहे हो कितना ही लड़ाई करते हैं। मम्मा इसको भी उतना कर रही हूं, बैठ जा वाले दांत निकल के हंसते रहो। सो गाइस ये देखिए क्या रखकर की है, पेट से की है ये लड़की, इतना गंदा अपना क्या दिखती है तुम्हें, नमी पानी बेटा नहीं पेट पर इसके अंदर से तो कोट पहने नहीं लेदर पहने नहीं, पर डबल वाला ड्रेस में कैसे लगा लेती है, कैसे नहीं लगा पाती। नहीं होगा लो ना, हिलो मत छोटे हो, उधर मेरी मम्मी पूजा भी कर ली है ना बेटा दादी। आप लोग को आवाज भी जा रही है, हम लगा देंगे उसको क्या, तो कितना देर रहता है
क्यों नहीं, बाल खराब हो रहा है। शिशु वैसे ही लगा होंगे। आज इसका लास्ट एग्जाम है ना बेटा? रबर बेटा, किसु लिया होगा? सब बच्चे लगता है अभी ले। पॉकेट में तो नहीं रख ली? नहीं रखती। फिर क्या हो गया? हम पकड़ते हैं, आप लेके आइए। जाओ ले करो। रबड़ ही लड़की खो दी। आज ये लोग का फायदा देखिए, देखिए आती है देखो, वे बातें जानते हैं। अरे बोलो मत, मेरा कैमरा ऑन है। मेरा बेटा ना इतना बोलता है, हमको इतना सुनाता है। नया रबर फिर निकाल बेटा, हिलाओ नहीं फिर चोटी खराब हो जाएगा। यीशु के कहने का मतलब समझे कि जब मम्मा का काम रहता है तब बाबू बाबू करके बोलती है प्यार से, और ऐसे झटकाती है। ऐसे बोलने लगता है, हिलाओ नहीं सुना। कितना लड़की डरती है भैया से। तो तुम क्यों इसका रबड़ लेके बैठे हो? देख रहे कैसे लड़ाई कर रहे हैं दोनों। हाँ हम पापा और दादी सब मिल के जाते हैं, और तुम इसको उठा के पटकना ठीक है? देखो तो बेटा कितना भैया प्यार करता है। कुछ नहीं करता है। हाँ नहीं करता है मतलब अगर आज बोल देगा बेटा बउआ प्राणी तुमको, तो तुम हमको आके बोलना स्कूल में दना दन मारेंगे इसको, दना दन। स्कूल में इसका दोस्त से निपट गया, ये क्या चीज है? देख रहा है इसका बहादुरी। टेस्टी था ना? स्वादिष्ट बहुत। वो गांव का है ना? किसको लगा लो? लगा लो ना। आओ ना झाड़ दे बेटा, ये ना अपने पापा से झड़वाता है। तो फ्रेंड दोनों जा रहे हैं स्कूल, तो अब थोड़ी देर के बाद मिलेंगे दोनों। जब स्कूल चला जाएगा उसके बाद मेरा टाइम रूटीन है सो जाना, उसके बाद किशो ये कर लो ना, हैंकी रख लो जाओ, उसके बाद फिर हम सो जाएंगे, सोकर उठेंगे, उसके बाद मिलेंगे फ्रेंड्स। और आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और ना मेरा आईडी कोई खराब कर रहा है फ्रेंड्स, कोई नहीं कर रहा, जिसको हम सब कुछ बताए सिखाए पढ़ाए वो कर रहा है। सो आप लोग बने रहिए, कंटिन्यू रहिए हमारे साथ। सो फ्रेंड एक भी वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि सोकर उठे, उसके बाद खाना पीना, झाड़ू लगाए, बर्तन साफ किए, उसके बाद अभी टाइम हो गया है बच्चों का लाने का, तो सो हम अभी चल रहे हैं स्कूल, बच्चों को लेकर आते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा ब्लॉग आपके पास आते रहेगा। सो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो गाइज हम बच्चों को लेकर आ गए हैं स्कूल से, सो अभी दिखाते हैं, मम्मी भी वेट करते रहती है दोनों का।
और मेरा बेटा ड्रेस अप कर रहा है। चेंज सो और इधर मम्मी को भी देख लीजिए, मम्मी भी दोनों का वेट करते रहती है घर आने का, है ना बेटा। सो फ्रेंड दोनों को चलिए अब कपड़ा चेंज करवाते हैं। बस अब आप लोगों से थोड़ी थोड़ी देर के लिए बातें करेंगे बीच बीच में आकर। देख लीजिए ड्रामा, मेरी बेटी कट्टा स्कूल जाएगी, स्कूल जाएगी अन्ना का झूला झूलेगी स्कूल में। टिकट खो देना फिर हो जाएगा। नाम का झूला नहीं झूलेगी। उदयन कौन सा झूला का टिकट लिया था बेटा, जो तुम कभी आने उस टाइम दिखा रहे थे मिक्की माउस, तो तुमको भी लेना था मिक्की माउस का। स्कूल में नहीं आया, बिना टिकट है वो कैसे फिर मिलेगा, मिक्की माउस आएगा तभी तो क्या होगा, पैसा दे देगा। अब तो तुमको जो पैसा मिलेगा, अभी 50 टका का टिकट खरीद के लाई है लड़के अभी से। इस बार ना हमसे 60 रुपए मांगते हैं। अब 1 टका नहीं मिलेगा, 60 रुपए कहाँ से। मेरा ही फायदा होगा ना, हमको कोई फायदा नहीं चाहिए। अपना टिकट संभाल कर रखो उसमें, वो थैला में रख दो, स्कॉटेज स्कूल वाला रख दो थैला में। सो फ्रेंड आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर में, आप लोग बने रहिएगा। देख लीजिए टिकट दिखा रही है, 50 टके का टिकट लाई है सुबह में लड़के, जबड़ के पैसा ली गई लड़के, पैसा नाव वाला लिए बाबा, हम झूलने नहीं देंगे बेटा। लेकिन तुमको क्या लगता है नाव वाला यहाँ से वहां जाता फेंक देता ऊपर ले जाकर, फेंकता नहीं है। हम झूले है ना, हमको पता है ना, हम झूले। सो फ्रेंड ये कौन टाइम पास ये करते रहेगी, सो हम चलते हैं इन लोग पे थोड़ा सा फोकस। सो एवरीवन आज पूरा दिन मस्ती किए हम लोग तीनों मिलकर, कोई वीडियो नहीं, मोबाइल से दूर, टीवी से दूर, और बस बच्चों के साथ मस्ती, क्योंकि आज लास्ट एग्जाम था जो कि एग्जाम खत्म हो गया और कल सुबह सर भी नहीं आएंगे, तो हम लोग खूब सारा मस्ती किए और नाश्ता वास्ता भी हो गया, शाम का टाइम भी हो गया और मैं दिया बाती भी कर ली, शाम हो गया बिल्कुल भी। फिर फोन में मम्मी दीदी ये लोग से सबसे बात किए भाई, उसके बाद इधर देखे मस्ती 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 सब लोग, और बेटी अभी मस्ती करने फिर से गई अपनी फ्रेंड के पास, अभी तक नहीं आई है। सो अभी इसको नाश्ते में खाना है मोमोज, जो कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहाँ से आएगा पैसा। पापा से बात करो तो आपका 250 रुपए लिए थे, तो वो तो मेरा पैसा था, नहीं आप लोग के लिए बोलिए फ्रेंड हम अपना पैसा का इसको मोमोज खिला दो क्या। सो फ्रेंड चलते हैं मोमो लेकर आते हैं और हम भी खाएंगे चटकारा मार के। चाय पीने से ना गैस भी बन जाता है, अभी चाय भी पी लिए और मैं अपनी सासू माँ को भी दिया है चाय, अभी मम्मी चाय पी रही होंगी, बिस्किट भी जा मम्मी तो पी के फिनिश कर ली। देखी ये देखे मम्मी पी भी नहीं और इधर सो भी गई, लेट भी गई, वाह वाह वाह। देखते हैं क्या बनाएंगे। सो फ्रेंड आते हैं मोमोज लेकर। सो गाइस ये देखे मैं मोमो लेकर आ गई हूँ, तभी तीनों मिलकर बैठ के आराम से खाएंगे, जस्ट बगल में मिलता है इसलिए ऐसे ही चले जाते हैं, कुछ इतना रेडी वेडी कौन होने जाता है, लिपस्टिक तैयार करो, हम ऐसे भी कभी भी नहीं करते, थोड़ा थोड़ा कर लेते कभी कभी, जाने के आने के बाद ना थक जाते हैं। सो अभी तीनों मिलकर बैठ के आराम से खा लेते हैं, फिर आपको आपके साथ आते हैं। सो फ्रेंड ये देखिए मोमोज ले आए हैं, उधर मम्मी नहीं देख रही है बेटा, मम्मी का मुंह कट रहा है दादी का, है ना। सो अभी चलिए निकालते हैं मोमोज और तीनों मिलकर बैठ के पार्टी करते हैं, सुखाते हैं, तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में। सो ये रहा हमारा मोमोज, मम्मी मेरी नहीं खाती है इसलिए आप लोग ये मत बोलिएगा कि मम्मी बन गई। और ऐसे बैठो ना मम्मी दिखता है, आई बहुत बड़ा मोमो है, छोटा कितना बड़ा कुछ होता है। सो ये रहा हमारे मोमोज, ये तो सो आप लोग भी खाइए हमारे वीडियो में, जो जितने लोग भी मेरे फैंस हैं सो इन लोग अभी खा रहे हैं, तो चलो करते हैं।
उससे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत तीखा लगता है लेकिन बेटा, थोड़ा सा लगाना इसको प्लीज। अभी गर्म नहीं है ना बेटा? सो गाइज, अभी हम आलू सत्तू पराठा बना रहे हैं। दो दिन से, क्योंकि ठंड है तो मजा आता है ना खाने में ये सब पराठा। सो ये देखिए, पराठा भी है उधर, सत्तू भी बना है इधर आटा। सो अभी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, और इसमें देखिए कढ़ाई में चार पांच पराठा मैंने बना भी लिया। अभी हस्बैंड आया तो उनके लिए चाय बना रहे हैं, और इधर पराठा भी बन रहा है, और उधर मेरा बच्चा अलग दीवानी दुनिया में है। और आज सबको बोल रहा है, आज मम्मा पढ़ाई नहीं करना है, छुट्टी दे दीजिए। 5 दिन तो कंटिन्यू सुबह शाम रात दिन पूरा पढ़ाए हैं, 1 दिन तो छुट्टी दे दी, तो आज छुट्टी फ्री। सो अभी पूरा पराठा बना लेते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। और हमारा डेली ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स। सभी लोग खाना खा लिया है, और रात को बज गए हैं 9। सो अभी बाहर से आवाज भी आ रही होगी टीवी का, एकदम पूरा बिल्कुल फ्री फ्री लग रहा है। छुट्टी है तो, छुट्टी तो कल नहीं है, बस आज रेस्ट है हम लोग का। सो अभी लेट कर मोबाइल वीडियो एडिट कर रहे थे, तो सोचा क्यों ना आप लोग से भी थोड़ी देर बातें कर लूं, और इस ब्लॉग को एंड कर दूं। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने और सोने। सो इस ब्लॉग को अब हम एंड कर रहे हैं, मिलेंगे कल ने अगले ब्लॉग में। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, और मेरे चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारा प्यार दीजिए मेरी वीडियो को। सो लव यू ऑल, गुड नाइट।